subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. 8th English 2.4 Excuses as Kit English Workshop Activities Question Answers. उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे. हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो को आखिर तक देखिए. पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए पार्ट है, रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स एज पर नरेटर. आंसर्स आर डायरेक्टली गिवन. रितेश हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड. अ मैन ग्रोनिंग विथ पेन वॉज लेइंग ऑन द पेवमेंट. तीसरा है, द थीफ केम आउट ऑफ द शॉप. चौथा है, द ग्रोनिंग मैन जॉइन द थीफ एंड रैन अवे. इसके क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं. पांचवे का आंसर है, अ ह्यूज डॉग वॉज सिटिंग ऑन रितेश स्कूल बैग. सिक्स्थ है, द डॉग रिफ्यूज टू मूव. सेवेंथ है, द डॉग बिगैन टू फॉलो रितेश टू स्कूल. यहाँ द डॉग द बिगैन हो गया, द डॉग कर दीजिए. एट्थ है, द डॉग इट्सेल्फ फाउंड इट्स ओनर. क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, फिल इन द ब्लैंक्स. आंसर्स आर डायरेक्टली गिवन. द पुलिस अराइव टू डील विद द क्राइम. द इंजर्ड पर्सन केप्ट ग्रोनिंग विद पेन. थर्ड है, ही स्टोल द कैश एंड वैनिश्ड इन द डार्क नाइट. फोर्थ है, रितेश वेंट बैक टू द शॉप टू गेट बैक हिज बैग. द डॉग फाइनली लेफ्ट द स्कूल बैग व्हेन रितेश ऑफर्ड हिम बिस्किट्स. क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन है, इन व्हाट सेंस वाज रितेश अर्ली. इसका आंसर है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रितेश वाज वेरी लेट. द फर्स्ट पीरियड ऑफ द क्लास वाज अबाउट टू एंड एंड द सेकंड पीरियड वाज टू स्टार्ट सून. सो द टीचर राइटली सेड दैट रितेश वाज टू अर्ली फॉर द सेकंड पीरियड. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई रितेश वाज डिलेड. On the way to school, Ritesh heard a scream from the main road. He went there to find if someone needed help. He saw a person laying near the pavement who was groaning with pain. As he reached the man, another man came running out of the shop. He had a packet in his hand. He was a thief. The man laying near the pavement got up and he also started running with the thief. Ritesh ran after them but they just vanished around the corner. This was the first reason, according to Ritesh, why he was delayed to school. Question number 4th hai, how did Ritesh describe the same dog the second time? Iska answer hai, the dog which Ritesh described as a huge dog before is described in the second time as a small puppy. Ritesh said that it was a puppy but was a big in size. Question number 5 है, इसका question है, why do you think did Ritesh refuse to take part in the storytelling competition? यानी रितेश ने storytelling competition में भाग लेने से क्यों इनकार कर दिया था? इसका answer है, I think if he had agreed to take part in the story writing competition, he was afraid that his teacher and his classmates would know that the excuses he had made were the stories he had made up. He wanted to hide the falsehood of his excuses. Question number 6 hai, can you believe his last excuse for refusing to take part in the story writing competition? Yani kya aapko Ritesh ka jo bahana tha, excuse tha, us pe bharosa hai ki usne story writing competition mein hissa kyun nahi liya? नो, बिल्कुल नहीं. आई एब्सोल्युटली डोंट बिलीव इन रितेश लास्ट एक्सक्यूज फॉर रिफ्यूजिंग टू टेक पार्ट इन द स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन. मुझे भरोसा नहीं है रितेश के बहाने में कि उसने स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा क्यों नहीं लिया. बिकॉज ही रियली सीम्स टू बी गुड इन मेकिंग अप स्टोरीज. इसकी वजह यह है कि वो कहानियाँ बनाने में तो बेहतर था. ईच ऑफ हिज एक्सक्यूजेस शो हिज स्किल इन मेकिंग अप इंस्टेंट स्टोरीज. और उसकी ये महारत है कि वो जल्दी जल्दी अपनी कहानियाँ बना लेता है. सो हिज लास्ट एक्सक्यूज डैट ही इज़ नॉट गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज एंड हिज स्टेटमेंट डैट ही वुडंट नो व्हाट टू राइट कैन नॉट बी बिलीव्ड. यानी कि वो उसे कहानियाँ बनाना नहीं आता, ये स्टेटमेंट गलत था और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया.
क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर एक्सक्यूजेस गिवन बाय रितेश फॉर हिज लेट अराइवल ट्रू, गिव रीजंस। यानी रितेश ने जो रीज़न दिया था लेट अराइवल की, वो सही है क्या गलत है। द एक्सक्यूजेस गिवन बाय रितेश फॉर हिज लेट अराइवल टू स्कूल वेयर नॉट ट्रू, वो सही नहीं है। उसकी वजह क्या है, द मैन लेइंग एंड ग्रोनिंग विथ पेन ऑन द पेवमेंट स्टार्टेड रनिंग विद द थीफ। यानी जो आदमी दर्द से कर्रा रहा था और फुटपाथ पर पड़ा था, वो अचानक उठ के भागने लगा चोर के साथ। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉग गिवन इन टू प्लेसेज डिफरेंट, उसने दो जगह कुत्तों की जो हालत बताई थी वो अलग थी। ही हैड नॉट एंटर्ड द शॉप बिफोर बट सेड डैट ही हैड लेफ्ट हिज बैग इन द शॉप। वो पहले दुकान में दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन उसने कहा कि वो बैग लेने के लिए वापस दुकान में जा रहा है। द स्टोरी ऑफ द डॉग एंड इट्स ओनर डज नॉट साउंड कन्विंसिंग, जो कुत्ते और उसके मालिक की कहानी है वो भी भरोसे लायक नहीं है। ए ग्रामर एक्टिविटीज़ है, डू एज डायरेक्टेड। हाउ डेट डॉग ग्रोल चेंज सेंटेंस इंटू असर्टिव। आप ये ग्रामर की एक्टिविटीज़ के लिए हमारे ग्रामर के वीडियोज़ भी देख सकते हैं, उसमें भी हमने ग्रामर कैसे करना है वो बताया है। द डॉग ग्रोल्ड वेरी एंग्रीली, यानी वो एक्सक्लेमेटरी है, उसे हमने असर्टिव बनाया है। आई कुड नॉट लीव विदाउट माई स्कूल बैग, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग एबल टू। एबल टू का इस्तेमाल करना है कुड नॉट निकाल के, तो आई वॉज नॉट एबल टू लीव विदाउट माई स्कूल बैग। नेक्स्ट एक्टिविटी है, राइट द अपोजिट ऑफ अपीयर एंड लाइक। अपीयर का अपोजिट डिसअपीयर, लाइक का डिसलाइक। गिव द मीनिंग ऑफ, यानी मीनिंग लिखना है, क्योर्ड और रियलाइज्ड। क्योर्ड अट्रैक्टेड टू डू समथिंग एंड रियलाइज्ड बिकेम अवेयर ऑफ। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।